धार जिले के मांडव नगर की महिला मंडल द्वारा एक विशाल कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा निकालने के पहले चतुर्भुज श्री राम मंदिर में महिलाएं एकत्रित हुई। वहां से रेवा कुंड तक चुनरी यात्रा निकाली गई। रेवा को पूजने के बाद मां रेवा की महामंडलेश्वर नरसिंह दास जी महाराज, पुजारी महेंद्र शर्मा गोपाल दास, महिला मंडल अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने मां रेवा की पूजा अर्चना की। वहीं मां रेवा को चुनरी चढ़ाई गई और मां रेवा की आरती के बाद की महिलाओं द्वारा कलश भरकर मनकेश्वर मंदिर लाया गया। मनकेश्वर मंदिर में जल चढ़ाकर मनकेश्वर महादेव की आरती की गई। वहीं महिला मंडल का यह दूसरा वर्ष था। महिला मंडल द्वारा कहा गया, यह कलश यात्रा प्रतिवर्ष निरंतर ऐसे ही चलती रहेगी। कलश यात्रा में भगवान शिव, मां पार्वती, नंदी की आकृति में झांकियां व आदिवासी डांस पार्टी भी थी। वहीं नगर की सारी महिलाएं साथ चल रही थी। वहीं मांडव नगर की रेवा कुंड पर जब महिलाएं वे महामंडलेश्वर नरसिंह दास जी चुनरी कलश यात्रा के लिए पहुंचे तो देखा मां नर्मदा रेवा का पानी गंदगी की वजह से पानी दूषित हो रहा था। वहीं महामंडलेश्वर वे नगर की सारी महिलाएं द्वारा कहा गया कि तीर्थ स्थल होने के बावजूद भी यहां साफ सफाई नहीं है। यहां पर प्रतिवर्ष कांवड़ यात्री जल लेकर कांवड़ निकालते हैं। वहीं नर्मदा परिक्रमा के लिए भी यहां पर लोग आते रहते हैं, लेकिन स्वच्छता इस कुंड में दिखाई नहीं दी गई है। धार जिले के मांडव से राहुल सेन की रिपोर्ट।